अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर वाकई से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्लस। मैं एक्चुअली आया हुआ हूं जड़ांवाला में, जो फैसलाबाद के साथ का एक शहर है, और यहां पर टोटली विलेज लाइफ मुझे देखने को मिल रही है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखते हुए। मेरे सामने इस टाइम जो है गंदम निकाली जा रही है, काट के रख ली है, मैं आप सबको दिखाता हूँ। यहाँ पे बंडल्स बना दिए गंदम के सारे, और उसके बाद फिर थ्रेशर मशीन में गंदम को डाला जाता है ताकि दाने जो हैं वो अलग हो जाएं, और फिर बोरियों में रख के मंडी में भेज देते हैं ताकि आगे लोग इसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। मुझे हमजा भाई इधर लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि आए आपको दिखाता हूँ कि गंदम कैसे निकाली जाती है मशर में डाल की। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है यहाँ पे, लाइव देखने का मुझे मौका आज मिला, और ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, आसान काम नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, ये फसल अभी तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जल्दी तैयार भी हो जाएगी। इसके अंदर मकई और गन्ना दोनों ही लगाए गए हैं। मुझे गन्ने के छोटे छोटे पीस कटे हुए नजर आ रहे हैं, टुकड़े जो इसमें लगाए गए हैं। ये देखें जरा, ये गन्ना लगा हुआ है और ये जो सब्ज वाला है ये है मकई। फसल को उगाना, हल चलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अभी मैंने लाइव देख लिया जिस तरह गंदम निकाली जा रही है, और कितने मेहनत से उन्होंने वो गंदम के बंडल काट काट के रखे हुए हैं यहाँ पे, और थ्रेशर में डालने के बाद फिर गंदम को अलग किया जा रहा है। तो इतनी गर्मी में ये काम बहुत मुश्किल है। तो मेरी दिली दुआ है कि हमारे किसानों को अल्लाह ताला हिम्मत दे और उनके खेतों में बरकत दे और इतनी फसल उगे कि हम इसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। आमीन। गांव का माहौल हमेशा से ही अट्रैक्ट करता है, और विलेज लाइफ जो है वो बहुत ही मज़ेदार और पुरसकून होती है। ये जो छोटा सा डेरा बना हुआ है, यहाँ पे जाके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है चारा काटने वाली मशीन, और कुछ चारा काट के नीचे गिराया गया है और कुछ अभी काटने वाला पड़ा हुआ है, और इसको तोड़ी कहते हैं ये, और ये मिक्स करके जानवरों को दी जाती है, और ये भी आसान काम नहीं है। कुछ वैसे इसके अंदर पड़ा हुआ है, हम ट्राई करेंगे, मुश्किल काम है। आसान काम नहीं है ये, बाजुओं में खलियां पड़ सकती हैं इसको करने से। हाँ हाँ, पूरी डाल रहे हैं। अच्छा, उनके पास जानवर है तो इसलिए जानवर काफी हैं उनके पास, जानवरों के लिए तूड़ियां कट के जा रहे हैं। अच्छा, ये हैं जी उमर भाई, और आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उमर फैक्ट्री, जो कि अबंडेंट हो चुकी है अब। तो उमर भाई ने मुझे उस फैक्ट्री का विज़िट करवाया था, और काफ़ी कुछ इनकशाफात हुए थे, कुछ राज पता चले थे मुझे उस फैक्ट्री के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। ये माशाल्लाह गाय जो है वो इन डेरे वालों की है, लेकिन ये वाला जो छोटा सा बछड़ा है ये मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? अच्छा, इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में जो बोर होते हैं वो तो घरों के अंदर होते हैं, उस पर मोटर वगैरह लगा देते हैं और वो डायरेक्ट पानी टैंकी में चढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पे जो गांव के इलाके हैं मोस्टली वहाँ पे जो बोर होते हैं उसके साथ इस तरह का हैंडल लगा होता है। ये मैं आपको ऐसे पानी निकाल के दिखाता हूँ, इसको अगर ऐसे आप करेंगे तो इसमें से पानी निकलता है, और साफ पानी, बिजली ना हो, हाँ फ्री का पानी, बिजली ना भी हो तो आप इसको इस हैंडपम्प के थ्रू पानी निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैल की जोड़ी हमें यहाँ पे नज़र आई है, और ये हल चलाने के लिए काम आती है। ये बैल कहीं गुस्से में ना आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। गांव की जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वो होती है ट्यूबवेल, जहाँ से पानी फसलों को लगता है। ये देखें,
ये बंद किया हुआ है, यहाँ से भी बंद किया है, यहाँ से भी, ताकि पानी यहाँ से ना उधर जाए ना उधर जाए, यहाँ से पानी जा रहा है इस वाले खेत में। पानी बहुत ही ठंडा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे नहा लूँ इस टाइम। ये नहर है जहाँ से पानी जो है वो खेतों में पहुँचाया जाता है। पानी इस टाइम काफ़ी मट्टी वाला हुआ है और अक्सर बच्चे यहाँ पे नहाते भी हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं, एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया है। अभी मैं आया हूँ अपने कज़न के फूड पॉइंट पे, इनका माशाल्लाह यहाँ पे फास्ट फूड पॉइंट है और मेरे सामने इस टाइम मीडियम पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है और जिसको अभी मैं खाऊँगा, बेहतरीन ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिज़्ज़ा मैंने खा लिया जो कि बहुत ही मज़े का था, टेस्टी था, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अभी फ़िलहाल चाय का टाइम है, हमजा भाई और मोहन भाई दोनों मेरे पास बैठे हैं। ठीक है जी, चाय जो है वो हम घर से बना रहे थे यहाँ पे और मोहन भाई, बेहतरीन पिज़्ज़ा था भाई, बहुत ज़बरदस्त था। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके काम में ढेरों बरकतें दें और इनके रिस्क में इजाफा हो, आमीन सुमामीन। मैं अब अपनी चाय पी लूँ, आप सब रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।